साथियों, पश्चिम बंगाल को दीदी की सरकार की दुर्नीति ने ईज ऑफ क्राइम, ईज ऑफ लूट दिया। बीजेपी सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अशोक परिवर्तन देने वाली है। अब जैसे केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया है, इससे सरकारी चाकरी में गरीब से गरीब को भी बराबर अवसर मिल पा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार की कोशिश है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे अनेक टेक्निकल विषयों की पढ़ाई भी स्थानीय भाषाओं में हो। स्थानीय भाषा में पढ़ाई से गांव गरीब का बच्चा भी आसानी से डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। भाई और बहनों, भाजपा सरकार की एक और विशेषता है, वेलफेयर और विकास योजनाओं में महिलाओं की सबसे बड़ी भावी भूमिका। टॉयलेट से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और जल जीवन मिशन, हर स्कीम बहनों बेटियों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। यहां तक कि तीन तलाक के नाम पर हमारी मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अन्याय इतने समय से हो रहा था, उसे मुक्ति देने का काम भी बीजेपी ने ही किया है। साथियों, पहले दो चरणों की तरह ही आज तीसरे चरण में भी आशोल परिवर्तन की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हावड़ा की बारी है। अपने युवा साथियों से, नौजवान बेटे बेटियों से मेरा विशेष आग्रह है कि अपने परिवार में, अपने पड़ोस में आप आशोल परिवर्तन की हर बात पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मतदान के दिन लोगों को घर से निकालेंगे, मतदान करवाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। आपको हर सीट पर, हर बूथ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, कमल छाप। ए बार कमल छाप, टीएमसी साफ। ए बार कमल छाप, टीएमसी साफ। ए बार भाजपा सरकार, ए बार डबल इंजन सरकार। आप सभी का यहां इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए और विशेष करके माताएं बहने, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहने आशीर्वाद देने आई है, मैं आपका सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।